लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। भागलपुर नगर निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम के निवर्तमान मेयर सहित वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी नीतू कुमारी ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नगर निगम के निवर्तमान मेयर सीमा शाह ने कहा कि 5 सालों का जो अनुभव है उसे पिछले छूटे हुए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगी। और वहीं नगर निगम वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी नीतू कुमारी के पति पप्पू यादव भी वहां पर मौजूद थे। वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी नीतू कुमारी लगातार 3 बार जीतकर आम आवाम के सभी जाति धर्मों के बीच रहकर विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही हैं। देखिए, निगम भागलपुर सीमा शाह निवर्तमान मेयर और पप्पू यादव प्रत्याशी नीतू कुमारी के पति वार्ड नंबर 4 नाथनगर से क्या कह रहे हैं इस पूरे चुनावी दमखम को लेकर। संवाददाता अरविंद कुमार की इस रिपोर्ट। 5 साल पहले हम काम किए हैं और दोबारा फिर जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। जनता का आशीर्वाद दोबारा दे, क्योंकि 5 साल का मुझे अनुभव है कि नगर निगम कैसे चलता है। और 5 साल में हम काम भी किए हैं, कुछ काम बाकी भी रह गया, उसको हम पूरा करेंगे। आज वार्ड नंबर 4 से नीतू देवी 4थी बार जनता के आशीर्वाद से और सभी वर्गों का सहयोग से ये 15 साल वार्ड 4 से चुनाव जीतते रही। सभी वर्गों का सभी काम किया, 4थी बार फिर जनता के अदालत में आया है और सभी वर्गों का भरपूर साथ है कि वार्ड नंबर 4 में सबका साथ, सबका विकास और सभी वर्ग का सम्मान और शांति सद्भाव भाईचारा का नाथनगर में वार्ड 4 में शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल कायम वार्ड 4 में किया। और नीतू देवी को फिर वार्ड 4 की जनता भारी मतों से 22 में भी चुनाव जिता के नगर निगम में भेजने का काम करेगी। सारे वर्गों का, सारे लोगों का भरपूर सहयोग मिला और हमारे सारे लोग जाति धर्म उठ के नीतू देवी को बराबर जिताने का काम किया है रिकॉर्ड मत से। इस बार भी वार्ड 4 की जनता भारी मतों से चुनाव जिता के नगर निगम में भेजने का काम करेगी। जो भी वार्ड 4 में छूटा है, कुछ भी काम इस बार विकास होगा और वार्ड 4 में गंगा बहेगा और सभी वर्गों को साथ लेके चलेगा।